मतलब जो है मतलब जो वहां पर से जो है वो लोग उठने शुरू हो गए, तो हम पहले वीडियो दिखाना चाहते हैं आपसे, इनको पहले देखिए वीडियो जी। देश जो ऊंचाई पर जा रहा है, जो शक्ति में दिखाई दे रहा है, दुनिया के लोग इसको मानते हैं, उस पे अपने को ज्यादा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, सत श्रीकाल, नमो बधाए, जय मनुवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों, वाई मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों आप सभी जानते हैं वो उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाई मानवता उठाता है। तो साथियों हम आप दिखाना चाहते हैं आप सभी को एक वीडियो, जिसमें एक RSS का जो है दुमछल्ला प्रचार करने का आता है गाँव में। तो गाँव में से क्या किया उन लोगों ने, जब उसका RSS का नाम लिया, उसने शैतान मतलब शैतान भी कह सकते हैं उसको, जो गुमराह करते हैं लोगों को, तो उन्होंने इसको मतलब जो है मतलब जो वहाँ पर से जो है वो लोग उठने शुरू हो गए। तो हम पहले वीडियो दिखाना चाहते हैं आपसे, इनको पहले देखिए वीडियो जी। देश जो ऊंचाई पर जा रहा है, जो शक्ति में दिखाई दे रहा है, दुनिया के लोग इसको मानते हैं, उस पे अपने को ज्यादा खुश नहीं होना है। अभी बहुत काम करना है अपने को, और बहुत काम करेंगे तो ये भारत देश ऊपर उठ के और वापिस अपने विश्व गुरु सिंहासन पर भारत माता आरूढ़ होगी। अभी अपने आंखों के सामने अपन जो देख रहे हैं परिवर्तन, मैं कह रहा हूँ कि उनसे अभी खुश नहीं होने, अभी अपने को और मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने इस देश को ऊपर लेके जाना है। अब ये जो झंडा है, इसको हम बोलते हैं परम पवित्र भगवत। ऐसा झंडा हम राष्ट्रीय शमशेर संघ, आपने नाम सुना है ना, ये राष्ट्रीय शमशेर संघ RSS जिसको बोलते हैं, अखबारों में, टीवी पे, मोबाइल पर खूब देखते हैं, एक संस्था है। और ये संस्था जो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज में हिंदू समाज का संगठन करने के लिए ये संस्था है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शमशेर। हम जानते सब है, हाँ। अच्छा, क्या हो गया, रुक जान दो साला। ये ध्वज उतारने का फिर अपन बात करते हैं, समरसता हम आते कैसे करना, हम सब लोग इस बात से ठीक है। चलो तो साथियों आप सभी ने वीडियो देखा इसमें कि एक प्रचारक RSS का जो है उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, RSS की उपलब्धियां या RSS क्या करना चाहती है। उन्होंने RSS का नाम लेते ही एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करा है, एक लफ्ज भी उसका उन्होंने मतलब बर्दाश्त नहीं किया, वहां से उसको छोड़ करके उठ के चले गए। तो ये मतलब एक जागृति फैल रही है भारत के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। और RSS से जो है एक आतंकवादी ग्रुप, हमने बहुत सालों से उसको बोल रखा है, RSS जो है एक आतंकवादी ग्रुप भी है। इन लोगों ने जो RSS जो कर रही है इसमें, एक तो इनकी हालात देख लो कैसे कितने ख़राब है, चारों तरफ इन्होंने नफरत की आग लगा रखी, चारों तरफ इन्होंने बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। तो एक वीडियो हम और दिखाना चाहता आप सभी को, ये वीडियो जो है एक मतलब उसमें लड़की को पेशाब पिलाया जा रहा है उसमें, तो इसको वीडियो दिखाते पहले देखिए पता है। लपेट खारी मेरे डोल नंद खारी,
कार्गो देगी ना तो ले हमसा घर ले भी हाँ सही बढ़ ले नहीं तो कोठा मंडी है हाँ नहीं माँ सो देने बंदा भी अरे पीनो बाल आहिं डाकना वो मटी है वो नहर बालों को नहीं बना बला बोली हाँ वो तो बड़ा ही पानी पानो थारी माँ लोटो कटा देते हैं थारी माँ सो जाएगी अभी उन लोगों ने बाहर बड़ी है हम तो हरी बीच जोको फर्जी होते भेज रहे किसम फरों साथियों आप सभी ने वीडियो भी देखा है इसमें एक तरफ तो आरएसएस का जो कारगुजारी ये चल रही है जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, दूसरी तरफ जात पात के नफरत शैतानी लोगों ने देखो इसको लड़के को जो है जूते से पानी इसको पिला पेशाब पिला रहे, तो इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग ऐसा इनको पिला रहे हैं पानी उसको जूते में पेशाब पिला रहे हैं, यानी कि उनकी मानसिकता एक कुत्ते वर्गीय है। कुत्ते जैसे कुत्तों की जो मानसिकता होती है या जानवर की मानसिकता होती है कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इन्हीं की नफरत के कारण ये जो है वीडियो देखा आपने कि जो आरएसएस के प्रचार को लात मार के भगा रहे हैं लोग, ये इसी बात का नतीजा है जो जात पात का जो चल रहा है, जहर चल रहा है भारत में, जो भारत में के अंदर जो एक दूसरे को मार रहे हैं लोग, काट रहे हैं, इसमें जो है पेशाब पिला रहा है या पेशाब पिलाया जा रहा है लोगों को, ये एक इंसानियत थोड़ा ही है, इंसानियत हमारी भी बात है। तो इसी का नतीजा ये है जो आरएसएस के जो लोगों से नफरत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस ही इनके इनके पीछे लोगों के पीछे जो ऐसी मानसिकता घूमी हुई है। सबसे पहले अगर हम अगर मान लेते हैं इसको, तो ब्राह्मण की मानसिकता इसके पीछे है कि ब्राह्मणों के अंदर सबसे बड़े अधर्मी ब्राह्मण लोग होते हैं, उनकी वजह की वजह से इनके जो जो पेशाब पिला रहे हैं, इनके दिमाग में ये नहीं बैठी है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अगर इनको पता लग जाए कि ये भी इंसान हैं, ये सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, सबको बराबर का जिंदगी मिलनी चाहिए, तो कोई भी किसी को पेशाब नहीं पिलाएगा, सबके सब इंसान जिंदगी में जिएंगे और सबके सब आदमी इंसान जो है मस्ती में होकर के जिएंगे, अगर इंसान को इंसानियत का पता लग जाए। तो सबसे पहले इसमें दोषी ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मणों की वजह से ये हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणों ने ज्ञान फैलाया नहीं है, उन्होंने ज्ञान फैला दिया, भ्रम फैला दिया, धर्म को नीचे दबा दिया, भ्रम फैला दिया, जात पात का भ्रम फैला दिया, भगवान का नाम भलंग भ्रम फैला दिया, इतना भ्रम फैलाया कि उनको वो भी कन्फ्यूज हो गए कि असल में भ्रम धर्म क्या होता है, उनको भी समझ नहीं आया कि धर्म क्या होता है। तो धर्म सच्चाई और ईमानदारी का नाम है, और सच्चाई ईमानदारी फैलेगी तभी यहाँ से अज्ञान मिटेगा, तभी यहाँ से जात पात मिटेगी, तब यहाँ से नफरत मिटेगी। ये जो आरएसएस जो नफरत फैलाना चाहती है, इनको तो है ना जो क्या कहते हैं कि जो नफरत की आग लगाते हैं वो खुद जल कर राख हो जाते हैं, और जो नफरत को जो है मतलब फैला, हम तो इतना कहना चाहते हैं, हमारा मकसद तो सिर्फ इतना है कि जो लगी है नफरत की आग चारों तरफ उसको हम प्यार की बारिश से बुझाएंगे। जो चारों तरफ चल रही है नफरत की दीवारें खड़ी हो गई है, नफरत की दीवारें इंसानों के बीच में, उनको हम प्यार के बुलडोजर से कराएंगे, प्यार के बुलडोजर से कराएंगे। तो थैंक यू सबका, हम उठाएंगे गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, इन लोगों का जिन्होंने आरएसएस को लात मार के भगाया, वहाँ से आरएसएस के लोगों को नहीं सुनना पसंद किया, उन गांव वालों का स्पेशल धन्यवाद, और ये इनकी करतूता ही इनको जो है इनको भारी पड़े ना। तो मिलते हैं ना कि सब लोग में, वाहिगुरु जी का खालसा, असलामुअलैकुम, जय जोहर, थैंक यू।